कैसे हैं दोस्तों। मानसून की पहली बारिश ने हमें गर्मी से काफी राहत दी है और किसानों के लिए तो ये एक वरदान है। लेकिन इस भारी बारिश ने दिल्ली, अयोध्या और गुरुग्राम जैसे क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या खड़ी कर दी है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक छत गिरने से तो हादसा भी हो गया। जल जमाव से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं पर बात करें तो सबसे पहले ये क्षेत्र डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और कॉलेरा जैसी बीमारियों के लिए एकदम उपयुक्त वातावरण बनाता है। अगर ये पानी आपकी आंखों से संपर्क करता है तो कंजक्टिवाइटिस और कैरेटाइटिस जैसी आंखों के इन्फेक्शन हो सकते हैं। आपकी स्किन अगर इस पानी से टच होती है तो बैक्टीरिया और फंगाय आपकी स्किन पर ट्रांसफर हो सकते हैं, जिससे एक्जिमा और डर्मेटाइटिस जैसे फंगल इन्फेक्शन होते हैं। इसके अलावा ये पानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस का कारण बन सकता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स के लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट बनाता है। और जब आप ये कंटामिनेटेड पानी पीते हैं तो अलग अलग तरह के स्टमक इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और अंत में जल जमाव के बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट्स के स्पोर्स जब हवा के साथ मिक्स होकर आपके एयरवेज में पहुंचते हैं तो ये एयरवेज में इरिटेशन पैदा कर सकते हैं और एस्थमा या एलर्जिक रेनाइटिस जैसी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का कारण बन सकते हैं। इसलिए इन हेल्थ रिस्क से बचने के लिए प्रॉपर ड्रेनेज और सैनिटेशन बहुत जरूरी है। ऐसी और स्वास्थ्य संबंधित जानकारियों के लिए हमारे मेडविकी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।